अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर। आज यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे एक हादसा हुआ है, जहाँ अब्दुल रहमान नाम का बच्चा जो 26 साल का है, ऑप्टिकल वर्कर है, काले पत्थर पे रहने वाले हैं, वो अपने दो दोस्तों के हमरा यहाँ पर आया था, अनवर और जावेद है, और ये तीनों बच्चे मिलके फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, और उस असना में ये बच्चे की जो ना मौत हो गई है, और वो दो बच्चे जो अनवर जावेद है, दोनों को पीएस को लेके गया है। अब उसकी पूरी छानबीन करेंगे, क्या है, क्या वजह है, क्या एक्सीडेंट ऐसा हुआ या कुछ आपस में क्या था, ऐसी कोई तो महसूस नहीं हो रही बातचीत, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, तीनों दोस्त थे कहते आपस में, कोई ऐसी रंजिश वाली बात नहीं थी, मगर इतफाक़ी हादसा है, वो ऐसा हुआ। मगर मैं इस सबसे कहना चाहूँगी कि रेलवे ट्रैक के पास क्या ऐसा फ़ोटोग्राफी का क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये अक्सर ऐसा ही हो रहा, बच्चों को जो है ना फ़ोटोग्राफी लेने के लिए कहीं भी ट्रैफिक में रहने दो, नल के पास, हर जगह नदियों के पास, एक ऐसा शौक़ उठ गया जिसकी वजह से देखो काफ़ी इन्हें अपनी जान से वो हो जा रहा, हाथ धोना पड़ रहा। अब 26 साल का यंग बच्चा सा वो हो गया, उनके फैमिली के लोग काले पत्थर के कितने परेशान हैं, वो लोग कितना उनकी अपन तकलीफ समझ सकते हैं। तो आप सबको, आप लोग भी बच्चों को रोकिए, ताकि सब रेलवे ट्रैक, नदियों, नालों के पास से दूर हटिए, हर जगह ले सकते फ़ोटो, वहीं जाना क्या ज़रूरी है लेने के लिए, क्या ऐसी बात है? नहीं मैडम, आए थे और इससे पहले भी हुए, चंद दिन पहले ही हुए हादसे। इससे पहले जो हादसा हुआ था वो दोनों का हुआ था, वो दोनों जो है ना थोड़ी नशे की हालत में थे, और वो आपस में झगड़ा कर लेते हुए हो गया। ये तो फोटोग्राफ लेने के लिए हुआ, तो इसके लिए कोई एक्शन वगैरह क्यों? हम लोग एक्शन ले लिए हैं, पूरी हम लोग एक्शन ले लिए हैं, पूरा दीवार वहाँ से यहाँ तक आ गई तकरीबन, अब थोड़ी सी बाकी है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी 15 दिन के अंदर। ये रोड और ये फेंसिंग का जो काम है रेलवे डिपार्टमेंट का है, जीएचएमसी से उनको पैसा भी सैंक्शन किया गया है, और यहाँ पर काम थोड़ा रुका हुआ है, और इंशाल्लाह वो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वो रेलवे से ही डिले होते जा रहा काम, यहाँ पर इस असना में इंशाल्लाह ये हो जाएगा कंप्लीट काम। शुक्रिया।